डॉक्टर मंजुला जैन है हमारे साथ, एसोसिएट डीन है आप तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी से। मैम, चूंकि कोविड के बाद चीज़ें बदली हैं, अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, कॉलेज के बच्चों में चूंकि अब बड़े हो जाते हैं, वो शायद अपने फ़ोन में पढ़ाई की जगह दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें शिक्षा से बांधे रखना कितना महत्वपूर्ण था इस पूरे कोरोना काल में। और कई लोगों की ये भी कंप्लेन रही है कि हम पिछड़ रहे हैं, हमारा एक साल पूरा ख़राब हो रहा है, बट आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस दी, एक एक बच्चे तक आप लोग पहुँचे, कैसे संभव हो पाया ये सब कुछ? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले इस मंच को मेरा नमस्कार, सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार और इंडिया न्यूज़ को नमस्कार। आपने जो अभी प्रश्न उठाया, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हायर एजुकेशन में हम लोगों ने अभी जो फेज देखा उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब शिक्षा को देखते हुए अब हमारे तीन फेजेस हैं, बिफोर कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड। राइट। और बिफोर कोविड अगर हम बात करें तो कभी शायद हमने नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजी को जो हम इतने एक थ्रस्ट देते हैं, बट उस थ्रस्ट को देखते हुए इतनी जल्दी हमें उसमें इमर्स होना पड़ेगा, उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो कोविड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग अटैच टू इट, और इसने हमें बहुत बड़ा चैलेंज दिया, बहुत बड़ा चैलेंज। बट मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने ना केवल इस रीजन को ये गौरव दिया कि पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी और उसने यहाँ पे शिक्षा का प्रसार किया, अपितु उसने जिस तरीके से कोविड के दौरान ना केवल समाज सेवा में अपना योगदान दिया बल्कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में जो अपना एक्शन दिखाया, विजन दिखाया और एक विलिंगनेस दिखाई, वो कमेंडेबल है। हम लोगों ने इस दौरान जितनी भी एसोसिएटेड हमारे कोलैबोरेटर्स थे सबका हम लोगों ने एक असेसमेंट लिया, जितनी टेक्नोलॉजीज हो सकती थी उसमें हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। हम लोगों ने कभी भी इस चीज़ पे गौर नहीं करा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बट क्वालिटी यहाँ पर हमारी कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही। तो वी लुक्ड फॉर दोज टेक्नोलॉजीज जहाँ पर हम जल्दी से जल्दी बच्चों से जुड़ पाए। और आप बिलीव करेंगे कि हम लोगों ने जैसे ही कोविड आया तुरंत उस कोविड की चैलेंजेस को भांपा, यहाँ मैनेजमेंट बहुत प्रोएक्टिव उसने यहाँ पर एक्शन लिया और तुरंत यहाँ पर हम लोगों को ये निर्देश दिया कि हम उन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें और बहुत जल्दी हम उन प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए जिससे हम अपने बच्चों को वर्चुअली वो सारी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज जो वो मिस कर सकते थे उनसे जोड़े रखा। और प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन को हमने सबसे पहले इस रीजन में रूप दिया। तो जब सरकार की तरफ से ये था कि आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, तब हमारे यहाँ इस एक्शन को लिया गया कि प्रमोट भी करेंगे और बच्चों को इस बात का भी उनको ये रहे कि क्वालिटी का कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जितने भी बच्चे जिन लोगों ने इस एक्सपीरियंस को लिया उनका आज ये कहना है कि शायद इस चीज़ को अडॉप्ट करने में अगर कोविड नहीं आता तो हम पिछड़ जाते, कोविड आया तो हमने अपनी क्षमताओं को पहचाना। बिल्कुल। और चूंकि हमारा देश अब डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ में हम देख रहे हैं डिजिटली करंट होता जा रहा है, और मैं आप पे ये भी समझना चाहूँगी, चूंकि बाकी चीज़ों में हम कहते हैं कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, लेकिन शिक्षा ऐसा क्षेत्र था कि जहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती हैं, वो कैसे संभव हुआ? देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दे वॉक इन हैंड विद ईच अदर, और ऐसा नहीं है कि अगर हम प्राइवेट संस्था हैं तो हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे एंड वी विल फोकस ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी भी जरूरी है, क्वालिटी भी जरूरी है। अब हमें यह देखना है एज एजुकेटर्स उस क्वांटिटी को हम क्वालिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। किसी ने बहुत सही कहा है कि डू नॉट टीच ओनली फॉर द सेक ऑफ टीचिंग, टीच टू ट्रांसफॉर्म, एजुकेट in order to have that affinity to learn and learn to lead. तो हमने हमेशा इसी बात पर गौर करा कि अगर किसी को भी हम ये opportunity दे सकते हैं तो उस समय हम कोई ऐसी barring ना करें कि वो शिक्षा से वंचित रह जाए, पर उसको quality product कैसे बनाना है वो हमारा काम है। तो हम लोगों ने उसके लिए, मैं आपको TMU का जो opportunities उसने तलाशी और उनमें हम लोगों ने काम किया, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो कोविड के दौरान हमने एक्सप्लोर किया और आज हम उसको अकॉम्प्लिश कर पाए हैं।
हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन उस फील्ड में किया जहां पर इंडस्ट्री एकेडमियां सोच नहीं पाए अभी तक, और बॉश ने इस चीज के लिए पहला इनिशिएटिव लिया। बॉश एक जर्मन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसने अराउंड 937 यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, उसने केवल उनमें से 23 यूनिवर्सिटीज को चुना है पूरे देश भर में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो उसके उस इनिशिएटिव को अंजाम देंगी, जिससे इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन का इस पूरे विश्व पटल पर पूरा ख्याति प्राप्त होगी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। डॉक्टर मंजुला जैन जी, एसोसिएट डीन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की, मैम आप भी मंच पर आए। अब आप सभी एक कॉमन ग्रुप फोटो प्लीज, सब लोग। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह ग्रहण करें।